इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने वाला एक दवाई के बारे में, जो बच्चों के लिए खास तौर पे भी बनाया जाता है और बड़ों के लिए भी बनाया जाता है। आज जानेंगे सिर्फ बच्चों के लिए जो सिरप फॉर्म का मेडिसिन आते हैं, बिलाजिप एम सिरप सस्पेंशन के बारे में पूरी डिटेल्स ले जानेंगे। आज कैसे कामों में यूजेस लिया जाता है, कितने सारा इंग्रेडिएंट्स के मदद से बनाया जाता है, इसको कैसे यूजेस लेना है, कितना डोज रहना चाहिए, इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। बिलाजिप एम, जिसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, इसकी जो प्राइस हो सकता है पर 60 ml के पैकेजिंग में आता है 130 से लेकर 140 रुपये के बीच में। 60 ml के पैकेजिंग बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप खरीद सकते हैं। बिलाजिप एम, इस सिरप सस्पेंशन के अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट मिलाया जाता है वो है, पहले जो इन्ग्रीडियंट्स है वो है बिलास्टिन। बिलास्टिन इसके अंदर 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। बिलास्टिन एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप के दवाई है, जिसके काम होता है खुजली वगैरह को ठीक करना, जो रेडनेस हो जाते हैं, वाटरी आई होते हैं, उसको ठीक करने के लिए बिलास्टिन इंग्रेडिएंट्स का यूजेस लिया जाता है। दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट 4 mg के स्ट्रेंथ में इस सिरप के अंदर मिलाया जाता है। मोंटेलुकास्ट भी एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप के दवा से बिलोंग करता है। इसके जो काम होते हैं, जो स्नेजिंग होते हैं, यानी छींके जो आते हैं बार बार, वाटरी आई होते हैं, नाक बहना, ऐसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मोंटेलुकास्ट का यूज लिया जाता है। अब मोटा मोटी एक चीज ध्यान में रखिए, ये दोनों प्रकार के एंटी हिस्टामिन दवा के ग्रुप से जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मिलाया जाता है इन सिरप के अंदर, जिसके काम एक ठीक नहीं करता है तो दूसरे ठीक कर देता है। दोनों मिलके ही काम बहुत अच्छा करता है। बच्चे का कभी नाक बह रहा हो, खांसी हो रहा हो, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, आंखों लाल हो जा रहा हो, आंखों से खुजली हो रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, शरीर में कुछ दाने निकाल रहे हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, सीजनल एलर्जी जो हो जाता है, बार बार छींके आते हैं बच्चे का, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए, कोल्डेट की समस्या को सॉल्व करने के लिए, हाई फीवर जिसको कहा जाता है, जो एलर्जिक फीवर भी नाम उसके होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिसे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया, और कई तरह का यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में आप रखिए, हर तरीके का एलर्जिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का यूजेस लेते हैं। ये जो सिरप मैंने बताया बिलाजिप एम, इसके अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट है मोंटेलुकास्ट और बिलास्टिन, ये दोनों कंपोजिशन में टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, सिरप फॉर्म में भी आते हैं। आज सिर्फ सिरप फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स लेंगे, टैबलेट फॉर्म के बारे में आपको जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अलग एक वीडियो से डिटेल्स बना दूंगा कैसे यूजेस लेना है, कैसे काम करता है। ये जो बिलाजिप एम मैंने सिरप के नाम बताए, इसके जो कंटेंट्स है मोंटेलुकास्ट और बिलास्टिन, ये कंटेंट्स में आपको जो कोई भी ब्रांड मिल जाए, ये बिलाजिप एम एक ब्रांड नेम है, जो कोई भी ब्रांड आपको मिल जाता है सस्ते में और आसानी से अब ले सकते हो, सबके काम एक ही होगा, उसके अंदर बिलास्टिन और मोंटेलुकास्ट रहने से उसके काम एक ही होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा दवा है, यूजेस है बहुत सारा, हर तरीके का एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जाता है, बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ही असरदायक है, लेकिन इसको लेने के बाद कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सेफ सिरप माना जाता है, ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है, फिर भी किसी किसी बच्चों को ज़्यादा दिन ज़्यादा मात्रा में ले लेने पर नींद बहुत ज़्यादा लग सकता है कभी कभी, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस लग सकता है बच्चे का, ऐसा ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट्स मिले, अब तुरंत ही मेडिसिन को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है इसके डोज,
कैसे लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, कब तक इसको डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। डोज मैं जो कि हर वीडियो में बताता हूँ, रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आप खुद से डोज निर्धारण नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर अच्छे से बच्चे को जांचता है, जांचने के बाद उसके बॉडी वेट और रोग के सीवियरिटी और उम्र देखने के बाद प्रेस्क्राइब करते हैं। जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज दिया जाता है, 1 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें 3 ml करके एक बार ही दिया जा सकता है, या डॉक्टर द्वारा ज़्यादा सीवियरिटी हो 2.5 ml करके 2 बार भी दिया जा सकता है। और जिन बच्चे का वेट ठीक ठाक है, उम्र 5 साल से लगाकर 10 साल के हैं, उनमें 5 ml करके एक बार लेने की सलाह दी जाती है, रात में खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और कभी कभी 3 ml करके भी 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, खाने के बाद ही लेना है, इसको खाने से पहले लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये जो डोज है ये रिकमेंडेड डोज है, आपको लेने की सलाह नहीं है, बच्चे को अच्छे से जांचने के बाद ही डॉक्टर डोज निर्धारण करते हैं, खुद से डोज ना लीजिएगा, बहुत सारे सावधानियों के अवलंबन करने पर ही डॉक्टर ये डोज प्रेस्क्राइब करते हैं। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।